अस्सलाम वालेकुम। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है, फ्रांस ने अरब ममालिक से फ्रांसीसी मसनूआत का बायकॉट न करने की अपील कर दी है। कोर्ट पहाड़ के नीचे आ चुका है। फ्रांस ने मशरक वस्ता के ममालिक से फ्रांसीसी मसनूआत का बायकॉट खत्म करने की अपील कर दी है। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों ने हालिया दिनों में पैगम्बर इस्लाम के खाके शाये करने का दिफा करते हुए कहा था कि मजहब इस्लाम पूरी दुनिया में बहरान का मजहब बन गया है और उनकी हुकूमत दिसंबर में मजहब और रियासत को अलग करने वाले सन 1905 के कवानीन को मजीद मजबूत करेगी। इसी तनाजुर में दिए गए सदर मैक्रों के हालिया बयानात के बाद बहुत से मुसलमान मुमालिक खास तौर पर मशरक वस्ता में फ्रांसीसी मसनूआत के बायकॉट की मुहिम जोर पकड़ गई थी। फ्रांस की वजारत खारजा का कहना है कि फ्रांस की मसनूआत के बायकॉट की बेबुनियाद ऐलानात को शिद्दत पसंद अकलियत की जानिब से हवा दी जा रही है। हालिया दिनों में चंद ऐसी वीडियो सोशल मीडिया साइट्स पर पोस्ट की गई है जिनमें कुवैत, उर्दन और कतर समेत दीगर मुमालिक के कारोबारी हजरात को अपनी दुकानों से फ्रांसीसी मसनूआत को हटाते और उन मसनूआत को दोबारा फरोख्त न करने का अज़्म करते दिखाया गया है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 48 घंटों से फ्रांस की मसनूआत का बायकॉट करने का ट्रेंड टॉप पर है। इसके अलावा फ्रांस के सदर के बयानात के बाद लीबिया, शाम और गजा की पट्टी पर एहतजाज भी किया गया। ये शदीद रद्दअमल दरअसल सदर मैक्रों की जानिब से इस्लाम से मुतालिक बयानात के बाद सामने आया है, जो उन्होंने क्लास में तलबा को पैगम्बर इस्लाम के मुतनाजा खाके दिखाने पर एक फ्रांसीसी उस्ताद के कत्ल के बाद दिए थे। सदर मैक्रों ने कहा कि सैमुअल पेटी नामी उस्ताद इसलिए कत्ल किए गए क्योंकि इस्लाम पसंद अफराद को हमारे मुस्तकबिल पर कब्जा करना है, लेकिन फ्रांस अपने कार्टून नहीं छोड़ेगा। ये कार्टून नबी आखिरुज़्ज़मां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाकों पर मबनी है। फ्रांस में रियासती सेकुलरिज्म मुल्क की कौमी शनाख्त में एक मरकजी हैसियत रखता है, जबकि रियासत का कहना है कि किसी एक बरादरी के जज्बात का ख्याल रखते हुए इजहार आजादी राय पर कदगन लगाना मुल्की इत्तेहाद को कमजोर कर सकता है। इतवार को फ्रांसीसी सदर मैक्रों ने एक ट्वीट में फ्रांसीसी कदरों के दिफा में दो कदम आगे बढ़ाते हुए कहा था, हम कभी भी हार नहीं मानेंगे। तुर्की और पाकिस्तान में सियासी रहनुमाओं की जानिब से सदर मैक्रों पर कड़ी तनकीद की गई और इल्जाम आयद किया गया कि वो मजहबी आजादी की इज्जत नहीं करते और उनके बायस फ्रांस के लाखों मुसलमान पसमानदगी का शिकार हो गए हैं। इससे पहले तुर्क सदर तैयब उर्दगान इस मामले पर मैक्रों को दिमागी इलाज कराने का मशवरा दे चुके हैं। उर्दगान के इसी बयान के बाद फ्रांस ने मशावरत की गर्ज से तुर्की से अपना सफीर वापस बुलवा लिया था। नाज़रीन, आपको याद दिलाती चलूं, पेरिस में एक उस्ताद ने अपने तलबा को नबी आखिरुज़्ज़मां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक खाके दिखाए थे जिसके बाद उन्हें कत्ल कर दिया गया था। फ्रांसीसी सदर की अपील से ये जाहिर होता है कि फ्रांसीसी मसनूआत का बायकॉट करना उन्हें कितना नुकसान पहुंचा सकता है। आइए जानते हैं कि फ्रांसीसी मसनूआत का बायकॉट कितना वसी है। इतवार तक उर्दन, कतर और कुवैत में कुछ सुपरमार्केट से फ्रांसीसी मसनूआत को हटा दिया गया था। फ्रांस में बनने वाली बालों, खूबसूरती और कॉस्मेटिक से मुतल्लिक प्रोडक्ट इतवार के बाद से उर्दन, कुवैत, कतर और दूसरे ममालिक में मौजूद नहीं थी। कुवैत में एक बड़ी तिजारती यूनियन की जानिब से फ्रांसीसी मसनूआत के बायकॉट का ऐलान किया गया है। गैर सरकारी यूनियन ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज का कहना है कि उन्होंने ये अहकाम पैगम्बर इस्लाम की मुसलसल तौहीन के बाद दिए हैं। फ्रांस की वजारत खारजा ने इस हवाले से एक बयान जारी करते हुए कहा कि बायकॉट के अहकाम बेबुनियाद हैं, इन्हें जल्द अज जल्द रोका जाए और हमारे मुल्क के खिलाफ तमाम हमले भी जो एक शिद्दत पसंद अकलियत की जानिब से पेश किए जा रहे हैं। इस किस्म के ऐलानात और अहकाम इंटरनेट के जरिए भी फैलाए जा रहे हैं। अरब दुनिया की सबसे बड़ी मईशत सऊदी अरब में फ्रांसीसी सुपर मार्केट चेन कैरीफोर के बायकॉट से मुतलिक हैशटैग दूसरे नंबर पर ट्रेंड करता रहा है। इसके अलावा लीबिया, गजा और शुमाली शाम में फ्रांस मुखालिफ मुजाहरों का इनेकाद किया गया। मुतनाजा खाकों के हवाले से वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान भी फेसबुक के सरबरा मार्क ज़करी को खत लिख चुके हैं और इसमें इस्लाम मुखालिफ मवाद पर पाबंदी की अपील भी कर चुके हैं। फ्रांसीसी सदर के इस्लाम से मुतलिक बयानात पर पहले तो तुर्क सदर तैयब उर्दगान ने उन्हें दिमागी इलाज का मशवरा दिया था, उसके बाद उन्होंने फ्रांस की एशिया के बायकॉट का भी मुतालबा कर दिया। सदर मैक्रों की जानिब से उस्ताद के कत्ल के बाद फ्रांसीसी सेकुलरिज्म का दिफा और शिद्दत पसंद नजरियात रखने वाले मुसलमानों पर तनकीद के बाद मुस्लिम दुनिया में इश्तियाल उमड़ आया है। तुर्क सदर उर्दगान ने इस मामले पर एक खिताब के दौरान कहा कि मैक्रों नामी इस शख्स को इस्लाम और मुसलमानों से मसला क्या है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने फ्रांसीसी रहनुमा को इस्लाम पर बगैर समझ बूझ के हमले करने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि सदर मैक्रों ने यूरोप और पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों के जज्बात मजरूब किए हैं और उन पर हमला किया है। इस साल उस्ताद के कत्ल से पहले मैक्रों ने ऐलान किया था कि वो इस्लामी अलहदगी पसंदी से निपटने के लिए मजीद सख्त कानून लाएंगे। उन्होंने कहा था कि तकरीबन 60 लाख अफराद एक मुखालिफ मुआशरा बनाने के बारे में सोच रहे हैं, मगर उन्हें ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। तहम अब जैसे ही मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से मुसलमानों ने फ्रांसीसी अशिया और मार्केट्स का बायकॉट करना शुरू किया है, फ्रांसीसी मईशत हिलकर रह गई है और इसकी इब्तिदा में ही फ्रांस ने अरब ममालिक से फ्रांसीसी मसनूआत का बायकॉट न करने की अपील कर दी है। मुसलमानों के पास यही वक्त है कि वो फ्रांसीसी मसनूआत का बायकॉट करके एक बार फ्रांस से ये मुआहदा कर लें कि वो आइंदा ऐसी गुस्ताखाना हरकत नहीं करेगा, क्योंकि इससे पहले के बयानात में फ्रांसीसी सदर बार बार अपने लोगों की ये मकरूह हरकत दोहराने की ताईद कर चुके हैं। तहम पैगम्बर इस्लाम के हवाले से फ्रांस की जानिब से किया जाए
जाने वाला ये इंतहाई बेहूदा गैर इखलाकी ऐसा कदम है कि जिसका कोई जवाज नहीं बनता। वो रियासतें जो खुद को सेक्युलर कहती हैं वो मुसलमानों की मजहबी आजादी का एहतराम नहीं करती। और अब वक्त आ चुका है कि हम दुनिया को बता दें कि हमारे लिए अपने नबी आखिर जमा से मोहतरम कोई चीज नहीं।